ठीक है, तो हम लॉगिन फॉर्म डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बॉडी टैग लेता हूँ, बॉडी टैग, और इसके अंदर मैं इसको बैकग्राउंड दे दूँगा, जैसे हमने कल के ले सेशन में दिया था इसको। ठीक है, सेम यहाँ पे हम कर देंगे इसको बैकग्राउंड हाइफन इमेज कोलन यू आर एल। ओके, और इसके अंदर आप दे दो डॉट जेपीजी जो हमने कल दिया था से। और यहाँ पे हम चेक करते हैं इसको, तो देखो ये क्या हो रहा है, हमारा यहाँ पे आ रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो इसका रिपीटेशन हम ऑफ कर देते हैं और साइज भी इसको दे देते हैं। ठीक है, तो कॉपी रिपीट कोलन नो आइकन रिपीट, और बैकग्राउंड साइज जो है देखो सिंगल हो गया, देन इसका साइज जो है 100% हम कर देते हैं साइज कोलन 100%। ठीक है, देन अभी यहाँ पे हम क्या बनेंगे, फॉर्म बनाएंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे एक लेता हूँ ड्यू ड्यू टैग। ओके, इस ड्यू को क्लोज करता हूँ और इसके अंदर मैं लेता हूँ सपोज H1 या फिर H3 लेता हूँ मैं H3, और यहाँ पे लेता हूँ सपोज लॉग इन फॉर्म H3, और उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे इनपुट टैक्स। ठीक है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। ओके, और यहाँ पे प्लेस होल्डर में ले लेता हूँ, प्लेस होल्डर इज इक्वल टू यूजर नेम। ठीक है, तो ये मेरा पहला फील्ड हो गया, देन इसी के जैसा हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेंगे पासवर्ड, ये हमारी पासवर्ड के लिए फील्ड है। ठीक है, देन यहाँ पे हम फिर से एक बटन बनाएंगे सबमिट नाम का। ओके, या फिर आप कोई भी बटन लिख सकते हो, मैं सबमिट नाम का बटन यहाँ पे लिख देता हूँ सबमिट। यहाँ पर प्लेस होल्डर की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं, वैल्यू एट्रीब्यूट लिया और यहाँ पे हम दे देते हैं लॉग इन। ठीक है, देखो ये डिफॉल्ट आपको कैसे दिख रहा है, एक लाइन में दिख रहा है और लॉग इन फॉर्म हमारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा अरेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको वॉइस प्रॉपरली नहीं आ रहा। हेलो, सबको नहीं आ रहा है क्या? अभी हेलो, आ रहा है। हाय। ओके, विथ ब्रेक, लाइन को ब्रेक कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, सेव किया मैंने इसको। ठीक है, सेव किया। ओके, तो यहाँ पे हमारा एक जो फॉर्म है वो यहाँ पे हमें दिख रहा है। अभी हम क्या करते थे, इस ट्यूब को हम कुछ जो स्टाइल है वो हम इसको अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ड्यू के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्यू के अंदर हम क्या करेंगे कि इसको स्टाइल दे देंगे और इसको सेंटर में ले जाएंगे। तो मैं सबसे पहले इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, तो हमने कल बैकग्राउंड कलर में अल्फा देखा था क्या, अगर मुझे ट्रांसपेरेंट देना है तो दे सकता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, यस सर, तो RGB अल्फा, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ सपोज व्हाइट कलर ले लेता हूँ मैं, तो 255 255 255 2.0 सॉरी 0.2। सेम कलर मैंने इसको दिया है, सेव किया मैंने इसको। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ मैं, देखो यहाँ पे एक आपको जो डिव है वो नजर आ रहा है लाइट, तो इसको मैं कर लेता हूँ, इसका वीट जो है वो मैं एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे विड्थ कोलन 200 पिक्सल सुपर सेव। ठीक है, 200 पिक्सल हो गया।
उसके बाद इस ड्यू को मिलाता हूँ सेंटर में। ओके, तो मैं डिस्प्ले यूज करता हूँ, डिस्प्ले ब्लॉक मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट मार्जिन राइट फ्रॉम कैसे राइट और लेफ्ट से हमने इसको ऑटो दे दिया, देन ये हमारे सेंटर पे आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो टेक्स्ट है वो भी हमें सेंटर में चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट आईफोन अलाइन सेंटर। ठीक है, सेव किया और इसको हम चेक कर लेते हैं कैसे आ रहा है। तो देखो सारा का सारा चीज़ें सेंटर में आ जाए, आ गया क्या दिख रहा है आपको? यस सर। थोड़ा सा मतलब 3। ठीक है, सारा का सारा सेंटर में आ गया। अभी हम क्या करते हैं, देखो ऊपर से और यहाँ पे नीचे से। ओके, आपको ये दिख रही है स्पेस, दिख रहा है आपको दोनों दोनों चीजों से, ऊपर से और थोड़ा नीचे से। बटन तो लग के आ रहा है डायरेक्टली, हमारे ड्यू को लग के आ रहा है हमारा बटन। ओके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा पैडिंग इसको हम दे देते हैं, पैडिंग देन कॉलम। तो टॉप और बॉटम से मैं देता हूँ सपोज 20 पिक्सल, और रेड लाइट से देता हूँ 0 पिक्सल से। 20 बहुत बड़ा हो गया, इसको बोलता हूँ 10 पिक्सल। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अगर आपको इसको रेडियस देना है तो वो भी आप इसको देख सकते हो। ठीक है, मैं रेडियस भी इसको प्रोवाइड कर देता हूँ, बॉर्डर हाइफन रेडियस कोलन सपोज 20 पिक्सल। ठीक है, उतना ही है क्या जितना हमने अब तक पढ़ा है, उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? यस ठीक है, अभी आप खाली इसमें नया चीज कैसे बना रहे हो, बटन को हम स्विचेस लगाएंगे, वो भी आपका हो चुका है, हमने लिंक को दिया था, याद आ रहा है क्या? सेम हमें इस बटन को देना है और इस इनपुट फील्ड्स को हमें सेसेस लगाना है। ओके, नया चीज इसमें क्या हो रहेगा, इन दोनों को सेसेस लगाना है, तो बटन को। ठीक है, तो यहाँ पे इस लॉगिन फॉर्म को भी मैं दे देता हूँ, मेरा ड्यू ऑलमोस्ट हो चुका है। ओके, ये मेरा डन हो गया, ड्यू का काम मेरा खत्म हो गया, देन मैं लेता हूँ लॉगिन फॉर्म। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली टैग के नाम इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कोई दूसरा ड्यू नहीं है। ओके, नहीं तो मैं यहाँ पे क्लास और आईडी इस्तेमाल करता, कोई दूसरा मेरे पास हेडलाइन भी नहीं है H3 नाम का, इसलिए मैं क्या करूँगा डायरेक्टली टैग का इस्तेमाल मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, एलिमेंट सिलेक्टर का मैं इस्तेमाल यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ कलर, कैसा चाहिए मुझे कलर, वाइट हो सेमी कलर। रिफ्रेश, ओके, लॉगिन फॉर्म का कलर जो है वाइट आ गया। उसके बाद उसका जो फॉन्ट हो वो बोल्ड हो, देन वो कितना हो 26 पिक्सल हो, और अमिता जो मेरा सिस्टम पे इंस्टॉल फॉन्ट है वो, देन इसको टेक्स्ट शैडो में दे देता हूँ, टेक्स्ट आईकॉन शैडो कोलन, और यहाँ पे हम दे देते हैं 3 पिक्सल, 3 पिक्सल पिक्सल फॉर ब्लर और पर्पल। सेव किया मैंने इसको, रिफ्रेश, देखो यहाँ पे एक स्टाइल अप्लाई हो रही है इसको। ठीक है, इसको बहुत बराबर। ठीक है, और उसके बाद हम दे देते हैं, ये हो गया हमारा किसके लिए, H3 के लिए। ये हमारा जो स्टाइल था यानी हमारे हेडलाइन के लिए, वो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। उसके बाद हम करते हैं बटन को। ओके,
बटन के लिए भी हम कुछ स्टाइल लिख देते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे एक तो आप इनपुट टैग मेरे पास 3 है, तो मैं टैग का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं कर सकता, यहाँ पे मैं क्लास लिखता हूँ, क्लास btn नाम का मैं यहाँ पे क्लास लिखता हूँ उसको, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉट btn बटन, और यहाँ पे बटन में मैं इसको इसका कलर कैसा होना चाहिए हर एक चीज हम क्या करेंगे सेट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट में इसको थोड़ा सा इसको, ठीक है। तो बटन का कलर जो है हम कलर ले लेते हैं सबसे पहले, तो कलर में ले लेता हूँ सपोज ग्रीन, येलो, टेक्स्ट का कलर होगा ये, आपको टेक्स्ट को कलर में दिखेगा, देखो टेक्स्ट कलर में दिख रहा है। ओके देन यहाँ पे हम क्या करेंगे इसका बैकग्राउंड जो है उसको भी चेंज करेंगे, जैसे हमने टेक्स्ट को कलर प्रोवाइड किया है बैकग्राउंड आइटम कलर कलर मैं यहाँ पे देखता हूँ सपोज, यहाँ पे मैं देखता हूँ सपोज डार्क ग्रीन, ठीक है। सेव किया मैंने इसको, रिफ्रेश करता हूँ मैं, देखो अभी आपको इसका एक बॉर्डर दिख रहा है क्या? सर। ओके तो इस बॉर्डर को, इस बॉर्डर भी हमें नहीं चाहिए, तो इस बॉर्डर को भी हम हटा देते हैं, बॉर्डर नन, ठीक है। सेव रिफ्रेश, देखो बॉर्डर भी इसका हट गया। देन हम देते हैं कि इसके अंदर थोड़ा सा हमें क्या चाहिए, अगर आपको यहाँ पे भी रेडियस चाहिए तो आप ले सकते हैं। ओके आपको अगर यहाँ पे भी क्या करना है रेडियस दिखाना है तो आप दिखा सकते हो। और नेक्स्ट चीज हम करेंगे इसके अंदर, जैसे देखो यहाँ पे जैसे मैं लिंक पे लेके जा रहा था तो मेरा हैंड का सिंबल आ रहा था क्या, वैसे आ रहा है क्या यहाँ पे माउस अगर मैं ओवर कर रहा हूँ तो नहीं नहीं आ रहा है ना, तो अब हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे कर्सर्स। ओके कर्सर बोला, ठीक है पॉइंट। देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो अभी ये आ रहा है क्या सिंबल, देखो ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कर्सर का सिंबल जो है चेंज हो रहा है। ओके तो वैसे ही आप कुछ अलग हम कर्सर से यहाँ पे देख लेते हैं, मैं आपको अभी बता देता हूँ ये जो आया है, तो इसको मैं पहले रेडियस भी दे देता हूँ थोड़ा सा, बॉर्डर आईफोन 10 पिक्सल से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे हमने पॉइंटर लिखा है तो यहाँ पे हम अलग अलग दे सकते हैं, जैसे कि आप टेक्स्ट सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे देखो अभी मेरे नोटपैड पे मेरा कर्सर कौन सा है, देखो दिख रहा है क्या जिससे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, कर्सर दिख रहा है क्या, है आई आई जैसा है क्या? सर ओके तो वैसे ही अगर आपको यहाँ पे पॉइंटर की जगह अगर आपको किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आप टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, ये आपका एक वैल्यू है, पॉइंटर का मैं पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, कॉपी किया मैंने इसको पॉइंटर, सबसे पहले हमने देखा पॉइंटर, देन में हम यहाँ पे इसको टेक्स्ट कर देते हैं, कर्सर को हम कर देते हैं टेक्स्ट, सेव यस रिफ्रेश। देखो देखो कर्सर कौन सा आ रहा है अभी दिख रहा है अच्छा
है क्या वैसा ही जैसा यहाँ पे हमें मुझे नोटपैड पे दिख रहा है सिलेक्शन के लिए जो हम टेक्स्ट का कर्सर यूज करते हैं वैसा आ रहा है। ठीक है, देन टेक्स्ट के बाद है हमारा, अगर आप कोई वेटिंग दिखाना चाहते हो तो वेट का भी है, वेट सेव रिफ्रेश। देखो आ रहा है क्या सर्कल वेटिंग यस का। ठीक है, तो ये वेट इसका प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी का वैल्यू हो गया कट पेस्ट। ओके, देन नेक्स्ट है प्रोग्रेस एरो के साथ। अगर आपको ऐसा प्रोग्रेस बार अगर दिखाना है जैसे अभी आ रहा था वेट के लिए एक सर्कल प्रोग्रेस, तो वैसे हम लिखेंगे प्रोग्रेस सेव, वी आएगा एरो के साथ। देखो आया क्या एरो के साथ, माउस कर्सर के साथ सर। हमारा। ठीक है, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, यानी आपको इस पे डिपेंड है कि आपको कौन सा कहाँ पे यूज करना है। ठीक है, जैसे कि टेक्स्ट अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो वहाँ पे यही आना चाहिए, कर्सर टेक्स्ट ही होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपने देखा होगा कि कोई आप अगर सिलेक्ट करते हो तो एक ऐसा प्लस जैसा साइन आता है, कोई पोर्शन अगर आपको सिलेक्ट करना रहा तो प्लस जैसा साइन आता है, देखा है क्या? देखो अभी कर्सर दिख रहा है मेरा, कर्सर यस प्लस का साइन जैसा है क्या? कुछ पर्टिकुलर पोर्शन को मैं सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, पर्टिकुलर एरिया उसने क्रॉप करके दिया मुझे। ओके, तो ये अगर आपको ऐसा कर्सर अगर आपको दिखाना है तो यहाँ पे आपको वैल्यू देना पड़ेगा क्रॉस, क्रॉस है। ठीक है, सेव किया मैं इसको, रिफ्रेश करता हूँ मैं। अभी देखो आ रहा है क्या सर। सेम कर्सर? ठीक है, तो ये भी यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, फिर से कॉमा यहाँ पे, और अगर आप कोई एलिमेंट मूव करते हो तो वैसे ही प्लस का साइन आता है, बट चारों तरफ से एरो दिखता है आपको, वो भी अगर आपको दिखाना है तो जैसे कि आप फाइल ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो। ठीक है, यही पे हम देख लेते हैं, रिफ्रेश। देखो ये इस्तेमाल किया है क्या कभी ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए पॉइंटर? सर ठीक है, ये आपका क्या है मूव कर्सर है। ठीक है, कट किया मैं इसको, यहाँ पे फिर पेस्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट है आपका नॉट अलाउ, अगर आपको अलाउ नहीं करना है, नॉट आईफोन अलाउड। ओके, आपको क्या करना है, अलाउ नहीं करना है किसी टेक्स्ट पे रहा हमें, आपको अलाउ नहीं करना है, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो कॉपी, या फिर किसी बटन पे आपको इस बटन पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो सेव। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, मैं रिफ्रेश किया, देखो दिख रहा है क्या यस सिंबल नॉट अलाउड। ओके, तो ये हमारा नॉट अलाउड है। उसके बाद इसको मुझे, ठीक है, वैसे ही आप ग्रैब यूज कर सकते हो, जैसे कि आप वर्ड में या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में आपने देखा होगा कि एक हैंड सिंबल आता है जिससे आप पेज को स्क्रॉल कर सकते हो। ओके, सेम यहाँ पे भी वैसा हैंड सिंबल आएगा। देखो देखो आ रहा है क्या? ओके, सर। तो ग्रैब हो गया, और उसके बाद आता है इमेज के लिए। आपने देखा होगा कि अगर आप किसी इमेज पे कर्सर लेके गए तो वहां पे जूम इन और जूम आउट दिखता है आपको, जूम हाइफन इन जूम हाइफन आउट, ऐसे आपको दो तरीके के दिखते हैं। अगर जूम कर लिया तो उसके ऊपर जूम आउट दिखता है, अगर जूम इन नहीं है तो आपको जूम इन दिखता है। देखो इसको कॉपी किया मैंने प्लस, ठीक है सेव। ओके, तो जब तक आप उसको जूम नहीं करते तब तक आपको कैसे दिखेगा, देखो जूम का दिख रहा है क्या सिंबल?
यस ओके, और अगर आप किसी इमेज को आपने जूम कर दिया तब आपको जूम आउट दिखता है, जूम आउट, सेव, रिफ्रेश, देखो आया क्या जूम आउट। सर। तो ऐसे आप यहाँ पे कर्सर इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी हम फिलहाल हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे पॉइंटर, जैसे हमारे लिस्ट पे आता है तो मैं पॉइंटर ही इस पे इस्तेमाल करूँगा। ठीक है, सेव, तो इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। ठीक है, पॉइंटर आ गया। तो ये तो हो गया हमारा बटन का। देन इस बटन पे ओहर अगर मैं करूँ, ठीक है, इस बटन पे अगर मैं मुझे अभी ओहर अगर मैं करूँ तो कौन सा कलर आना चाहिए, कलर और बैकग्राउंड कलर, यानी किन कलर्स को मुझे ओवरराइट करना है। तो मैं डॉट btn, ओके, देन सुडो क्लास, यहाँ पे क्लास यूज करूंगा, और ओके, देन कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे मैं उसको लिख दूंगा। कलर कौन सा होगा ना, तो डार्क ग्रीन हो, डार्क ग्रीन हो, ठीक है। और जो बैकग्राउंड कलर हो, बैकग्राउंड कलर जो है आपका ग्रीन है, ठीक है। आपको जैसे इस्तेमाल करना है आप कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको जो कलर लेना है ले सकते हो, मैंने उसी का अपोजिट कलर यूज किया है, देखो। ठीक है, अभी हैंड सिंबल भी आ रहा है और हमारा कलर भी चेंज हो रहा है। ठीक है, अभी इसके बाद हम हमारा क्या करते हैं, इनपुट का फील हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। ओके, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट को जो है अभी इसको हम स्टाइल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको मैं क्लास दे देता हूँ, क्लास इज इक्वल टू माय इनपुट। ओके, अभी इसी क्लास को मैं दे देता हूँ नीचे वाले फिल्टर, क्योंकि मैं दोनों को सेम अप्लाई करता हूँ। एक मिनट, एक मिनट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक क्लास लिया है माय बटन, ठीक है। तो इस क्लास का हम इस्तेमाल करेंगे, अभी इसको हम प्रोवाइड करेंगे कुछ स्टाइल। तो डॉट माय बटन, अभी दोनों को मैं अप्लाई करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देंगे, यहाँ पे देखो आपको क्या चीज, क्या पहले क्या दिक्कत दिख रहा है, सबसे पहले तो क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप लोग, यूजर नेम, पासवर्ड, लॉगिन, तीनों भी अटैच है। हाँ बराबर है, तीनों भी पास पास है। ओके, तो इनमें थोड़ा सा मुझे गैप चाहिए। ओके, तीनों में मुझे से चाहिए गैप चाहिए, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मार्जिन, आउटसाइड के लिए हम यूज करेंगे मार्जिन हाइफन बॉटम। ओके, बॉटम की साइड से हमें क्या चाहिए, स्पेस होना चाहिए। तो कितना चाहिए मुझे, सपोज मुझे चाहिए 15 पिक्सल। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश करता हूँ, देखो अभी दिख रहा है, अभी अलग अलग हो गए क्या तीनों। सर ठीक है, आपको जितना लगे आप दे सकते हो, 10 पिक्सल भी दे सकते हो। ठीक है, 10 पिक्सल हो गया। देन आपको यहाँ पे अगर आप ठीक से देखोगे, ओके, इसको जूम, तो यहाँ पे आपको हल्का सा बॉर्डर दिख रहा है, किसका, ग्रे कलर का सर दिख रहा है ना। अगर सर मैं इसका जो अल्फा है उसको 1 कर देता हूँ, सेव, रिफ्रेश। हाँ अभी देखो, अभी इसका बॉर्डर दिख रहा यस
ये बॉर्डर दिख रहा है, और अगर मैं उसको सिलेक्ट करता हूं तो आउटलाइन भी उसकी दिखाई दे रही है मुझे, ये ब्लैक कलर में आउटलाइन है, देखो इसको सिलेक्ट किया तो आउटलाइन भी आ रही है। ठीक है, तो अभी मैं इसको फिर से पहले जैसे था 0.3 कर देता हूँ, सेव, रिफ्रेश। ठीक है, तो इसका जो बॉर्डर है उसको मैं पहले हटा देता हूँ। ठीक है, तो इसका जो बॉर्डर है उसको हम हटा देते हैं सबसे पहले, तो बॉर्डर कोलन नन। ठीक है, सेव। देखो बॉर्डर हट गया उसका, दिख रहा है अभी, अभी खाली क्या आ रहा है, आउटलाइन आ रहा है। ओके, तो ये जो आउटलाइन है इसके साथ भी आप कुछ प्रॉपर्टीज इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं पहले आपको दिखाता हूँ आउटलाइन, लाइन। ओके, आउटलाइन स्टाइल, सेव किया है, इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखो अभी कुछ आ रहा है, सर। आउटलाइन स्टाइल जो है उसको भी हमने हटा दिया। ओके, बट यहाँ पे भी आप कुछ वैल्यू यहाँ पे दे सकते हो। ओके, जैसे आपको कुछ अलग चाहिए, जैसे कि आपको डॉटेड चाहिए, एक जैसे मैं कैसे कल लिखा था वैसे लिखा था। ओके, यहाँ पे भी आप नन हमने दिया है, आप डॉटेड अगर आपको चाहिए तो डॉटेड इस्तेमाल करो, अगर आपको डैश चाहिए तो डैश आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, देन अगर आपको सॉलिड चाहिए तो सॉलिड आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो जो पहले से डिफॉल्ट है। ठीक है, देन अगर आपको डबल चाहिए तो आप डबल इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, ऐसे आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पहले नन दिया है उसको मैं डॉटेड कर देता हूँ अभी, देखो नन। ओके, तो इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ पे दे दिया पेस्ट से। देखो दिख रहा है क्या, डॉटेड आउटलाइन आ रही है। ओके, देन अगर आपको उसकी जगह आपको चाहिए डैश तो डैश का इस्तेमाल कर सकते हो, कॉपी पेस्ट से। देखो डैश आया क्या, सर। सॉलिड, तो सॉलिड यहाँ पे दिखाना है तो आप सॉलिड भी दिखा सकते हो। सेव, रिफ्रेश। देखो सॉलिड दिख रहा है अभी, डबल लाइन चाहिए तो डबल आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। सेव, ठीक है, डबल लाइन। ओके, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ नन। सेव, रिफ्रेश, दोनों हट गए हैं। ठीक है, तो आउटलाइन भी हमारा हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट इसको देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसके अंदर हम देखते हैं कि जो पैडिंग है, अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखूँ तो देखो ये लेफ्ट साइड से लग के आ रहा है थोड़ा सा। ओके, तो मैं इसको क्या करता हूँ, पैडिंग दे देता हूँ मैं, थोड़ा पैडिंग फ्रॉम ऑल साइड, 5 पिक्सल का पैडिंग आप छोड़ दो सभी साइड से। ठीक है, देखो अभी थोड़ा सा स्पेस बन रहा है यहाँ पे। अच्छा हाँ, अगर आप इस टेक्स्ट को भी कलर देना चाहते हो तो आप यहाँ पे भी कलर, बैकग्राउंड कलर वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपको यूज इस्तेमाल करना है तो। कलर मैं यहाँ पे दे देता हूँ सपोज वाइट, और बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ सपोज बैकग्राउंड नीली। ठीक है, सेव किया मैंने इसको। देखो आ रहा है क्या। ओके, तो अगर आप यहाँ पे भी, आपको अगर इसको भी रेडियस देना है तो भी आप इसको रेडियस दे सकते हो, आपको जो देना है। तो यहाँ पे भी आप बॉर्डर हाइफन रेडियस कोलन, सपोज मैं दे देता हूँ 10 पिक्सल का रेडियस हो, 4 कोने से, देखो। ठीक है, ऐसा भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसे भी आप इसको रख सकते हो,
अगर आपको चाहिए कि ये बैकग्राउंड जो ऐसा ना हो, ये ट्रांसपेरेंट हो, यानी जो पीछे वाला जो बैकग्राउंड है वो दिखना चाहिए, ओके, क्या हो, ट्रांसपेरेंट हो, तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तब इसको हटा दूंगा मैं, इस नेवी कलर को हटा दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा मैं ट्रांस, सेव किया मैं इसको, रिफ्रेश किया। देखो अभी कुछ दिख रहा है क्या यहाँ नहीं। पे, ओके, बट एंड यूजर को समझ में आएगा क्या कि आपको मुझे कुछ लिखना है। इनको हाईलाइट करना पड़ेगा। हाँ, तो वहां पे हम क्या कर देते हैं, इसको एक बॉर्डर दे देते हैं बॉटम से, तो बॉर्डर हाइफन बॉटम कितना पिक्सल का हो, तो 1 पिक्सल का वो लाइन हो, ओके, देन कैसा हो, तो वो सॉलिड हो। यहाँ पे भी आप सॉलिड डैशेस आपको जो देना है दे सकते हो। देन उसका कलर कौन सा हो, तो ब्लैक कलर हो, ठीक है, सेव। अभी देखो देखो लाइन आ रहा है क्या यहाँ पे, अच्छा इसका जो रेडियस है मैं इसको हटा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। देखो अभी एक लाइन आ रही है बस प्रॉपर, ठीक है। अभी इतना होने पर भी यहाँ पे अगर मैं इसका जूम आउट कर लेता हूँ, मैंने स्क्रीन को जूम किया, ठीक है, रिसेट कर दिया, अभी देखो ब्लैक लाइन तो दिख रही है मुझे, बट यूजर नेम पासवर्ड दिख रहा है क्या, नहीं नहीं ना दिख रहा, ठीक है, और बटन भी हमारा थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, ठीक है, तो बटन के लिए भी हम यहाँ पे थोड़ा सा उसको पैडिंग लगा देते हैं, ठीक है, यानी उसका थोड़ा सा स्पेस हम इनसाइड का बढ़ा देते हैं, पैडिंग फुल, और यहाँ पे हम दे देते हैं उसको 5 पिक्सल फ्रॉम ऊपर से और लेफ्ट एंड राइट से हम बढ़ा देते हैं उसको 10 पिक्सल से। बटन को देखते हैं हम लोग, ठीक है, बटन भी हमारा अच्छा सा अभी दिख रहा है, और ये जो आपका जो यूजर नेम पासवर्ड है जो आपको दिख नहीं रहा है, ओके, उसके लिए हम यहाँ पे फिर से इस्तेमाल करते हैं सुडो क्लास। तो सुडो क्लास हम यहाँ पे यूज करेंगे जो प्री डिफाइन है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ प्लेस होल्डर, ये सुडो क्लास लिया मैंने, और यहाँ पे मैं उसका कलर में चेंज कर देता हूँ, कलर कोलन व्हाइट, सेव। देखो ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमारा एक लॉगिन फॉर्म डिजाइन कर दिया। ठीक है, आप चाहो तो अलग कलर्स दे सकते हो, इसमें ऐसा कुछ है क्या कि वो समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है, हेलो, नहीं सर। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, पहले फॉर्म का ले लो, सर वो प्लेस होल्डर को सर सुडो क्लास लेने की जरूरत क्यों पड़ेगी? बिकॉज हम ऑलरेडी इनपुट टाइप के अंदर जो स्टाइल अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर भी हम सर प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं ना? कौन सा, यहाँ पे देखो कलर मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया है, बट वो प्लेस होल्डर को लग रहा है क्या, नहीं ओके, तो इसीलिए सीएसएस ने एक प्री डिफाइंड क्लास हमें प्रोवाइड किया है, ओके, जिसका हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर उसका भी आपको कुछ स्टाइल फॉन्ट, अगर आपको उसका भी चेंज करना है तो उसके नीचे दे दो, ये मैंने खाली कलर चेंज किया है, मुझे अगर इसका फॉन्ट भी चेंज करना है तो मैं फॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ। ओके
इसका स्क्रीनशॉट लिया क्या आपने? ठीक है, तो फर्स्ट आप ले लो, यहाँ से ले लो। ठीक है सर, क्या हमें बॉडी के सेंटर में ले सकते हैं लॉगिन फॉर्म? दिया ही है ना उन्हें बॉडी के। हाँ जी सर, ऊपर से तो मार्जिन इतना नहीं है, ऐटो ले रहा है ना वो मार्जिन ऊपर से। हाँ तो आप इसको ऊपर से भी टॉप से भी दे दो। नहीं तो आप इसको मैनुअली भी छोड़ सकते हो, आपको अगर कुछ छोड़ना है तो। देखो यार तो नहीं लेगा यहाँ पे, मुझे तो कुछ पिक्सल्स या फिर कुछ परसेंटेज, 20% में छोड़ देता हूँ, पेज का 20% ऊपर से छोड़ दो, बहुत ज़्यादा होगा। सर नहीं लेता 100 पिक्सल। ठीक है तो हॉरिजेंटल हमारा हो गया है, बट वर्टिकल सेंटर में आपका बताऊंगा। ठीक है, हम नेक्स्ट सेशन में इसको देखेंगे कि हम हॉरिजेंटली कैसे हम सेंटरी सेंटर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक ओके। आपका स्क्रीनशॉट ले देते हैं आप। हाँ इसका हुआ ना H3 तक। यस सर। ठीक है, उसके बाद H3 से बटन तो सुन लेते हैं, ये वाला भी सर। लिया। ठीक है, ये दोनों हमारे इसके नीचे प्लेस होल्डर था, ये तो आ गया होगा ना आपके लास्ट एलिवेशन में प्लेस होल्डर। हाँ ठीक है, ये हो गया। उसके साथ हम अभी एक टेबल को हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है, बेसिक या फिर हम कुछ और देख सकते हैं। कितना टाइम है बस? 10 मिनट। सर सर्च बार का बताइए मैम। सर्च बार का क्या बताऊं? हेलो, हाँ सर। सर्च बार का क्या हाँ क्या तो सर, उसका साइज वगैरह और उसका डिजाइन वगैरह कैसा ऐसा फॉर्म ही। रहेगा ना, इनपुट ही फील्ड रहेगा ना वो सर्च आपका। ओके ओके, तो जैसे हमने यहाँ पे दिया है सेम ही आपको यहाँ पे देना है, खाली अभी हमने यहाँ पे कोई आइकॉन ऐड नहीं किया है। ओके, उसके लिए हम बहुत सारे आइकॉन से जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट वो मैंने नहीं बताया आपको अभी तक। तो जैसे कि फॉन्ट ऑसम है, ओके आइकॉन्स, इसका लाइब्रेरी हमें डालना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये CSS में भी है और बूटस्ट्रैप में डायरेक्टली इनबिल्ट भी हमें मिल जाता है इसका जो कोड ओके है। तो सर्च के लिए आप यहाँ पे, आपको एक ये देखो, ये जो आइकॉन्स इन लोगों ने डाले यहाँ पे, ये देखो ये दिख रहा है, यस ऐसा आइकॉन आप लगा सकते हो तब इनपुट टैग के साथ। स्पैन आपको लगेगा तब आइकॉन। सर्च ये देखो, कोई भी आप ये देखो, ये है नहीं तो मैंने पहले सर्च के लिए कौन सा यहाँ पे
सच ठीक है, इसी का आप इस्तेमाल कर सकते हो या फिर इसका भी इस्तेमाल किया तो चलेगा। देखो इन लोगों ने इसी का इस्तेमाल किया है सर्च के साथ, इसी आइकॉन का। ठीक है, तो ये अभी यस हमारा हुआ नहीं है। देखो एक आई टैग है, इसको हमें खाली कॉपी करना पड़ेगा, इसका लाइब्रेरी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, या फिर हमारा इसका जो लिंक है हमारे पेज में देना पड़ेगा हमें। ठीक है, ओके। हाँ, जो इमेज जो है, ओके, तो हम और एक प्रॉपर्टी यहाँ पे देख लेते हैं, ओपेसिटी। ठीक है, तो ओपेसिटी पे आप कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आपकी इमेज है तो यहाँ पे हम यूज करते हैं ओपेसिटी, ओके। तो यहाँ पे आप इसको वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हो, जैसे हमने अल्फा को वैल्यू प्रोवाइड की है, कैसे की है, 1 से लेकर 0.0 तक, ओके। ऐसे ही वैल्यू आप इसको दिखा सकते हो। ठीक है, तो अभी हमारा फिलहाल क्या रहेगा, 1 रहेगा। सेव किया मैंने इसको, रिफ्रेश, देखो कुछ फर्क आपको कुछ दिख रहा है नहीं, बट अगर मैं इसको थोड़ा कम कर दूँ तो 0.5, सेव। देखो क्या हुआ, सारे पेज का ओपेसिटी कम हो गया। ओके, मैं और कम कर देता हूँ, 0.2, सेव। देखो ये जो ड्यू है आपका, यानी यहाँ पे जितना भी एलिमेंट होगा पूरा पेज का, हम बॉडी टैग में इसको अप्लाई कर रहे हैं, तो बॉडी टैग के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका ओपेसिटी देखो यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है क्या, ड्यू टैग में कुछ लिख रहा हो तो, यस क्योंकि उसका ओपेसिटी जो है हमने कम कर दिया। ओके, ऐसे आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हो, अगर आपको रखना है किसी चीज को दिखाना है, नहीं दिखाना है। ठीक है, इसी इमेज को अगर आपको दिखाना है तो इमेज को भी आप यूज कर सकते हो, कोई इमेज यहाँ पे ले लो और उसके साथ इसको एडजस्ट करो, तो ओपेसिटी हम मोस्टली इमेजेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो वहाँ पे भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे हमने इसके लिए यहाँ पे किया है, ओपेसिटी आप कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो इसका रेंज भी हमारा क्या रहेगा, ये रहेगा आपका 0.0 से लेकर 1 तक। ठीक है, हाँ हेलो सर, बोलो। अभी जो आप लॉगिन फॉर्म पे आप एक मिनट ही मिनिमाइज कर, ठीक है, हाँ बोलोगे जान। लॉगिन फॉर्म पे वो बैकग्राउंड आपने कलर लिया है ना सर, व्हाइट इसकी, कलर, हाँ इसकी जगह हम इमेज ले सकते हैं ना। हाँ ले सकते हो, ओके, वही आपको खाली यही प्रॉपर्टी फिर से इस्तेमाल करनी है, ये जो प्रॉपर्टी है वही इस्तेमाल करनी है फिर से। इधर इमेज का यूआरएल डालना बस। हाँ, देन फिर आपको ओपेसिटी यूज करना पड़ेगा, अगर उसको ट्रांसपेरेंट अगर आपको करना रहा तो, क्योंकि यस वो कलर को हम ट्रांसपेरेंट कर रहे हैं यहाँ पे, इमेज को अगर आपको करना है तो ओपेसिटी का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके ठीक है, एक तो इमेज के लिए या फिर कोई भी एलिमेंट हो, जैसे कि अभी हमारा ड्यू था, पूरा का पूरा ड्यू, उसका ओपेसिटी कम हो रहा था क्या, अभी देखो अभी फुल हमारा दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं आप फिर से कम कर दूँ तो ये फिर से क्या हो जाएगा, हम इसकी विजिबिलिटी जो है कम हो जाएगी, ओपेसिटी हम कम कर देते हैं 5। देखो फेड हो गया। ठीक है, सेव किया मैं इसको, रिफ्रेश। ठीक है, यस चलो चलो फिर आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं, ये फाइल मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे आप फॉर्म बनाओगे। ओके। ओके, चलो।